हाजीपुर में एक बार फिर से दिनदहाड़े अपराधियों ने मछली व्यवसायी से 4 लाख रुपए लूटकर सनसनी फैला दी। वहीं विरोध करने पर मछली व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर तौर पर घायल कर दिया, उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपराधियों की गोलियों से शहर थर्राया। दिनदहाड़े मछली व्यवसायी से 4 लाख रुपए की लूट। 2 बाइक सवारों ने दिया घटना को अंजाम। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम और आगजनी। जरा गौर से देखिए इस घायल शख्स को। ये शख्स है मछली व्यवसायी। ये व्यवसायी दिन दहाड़े लूट का शिकार हुआ है। अपराधियों ने इससे 4 लाख रुपए लूट लिए हैं और जब इसने लूट का विरोध किया तो अपराधियों ने इसे गोली मारकर गंभीर तौर पर जख्मी कर दिया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। घटना भीड़भाड़ वाले इलाके हाजीपुर के नगर थाना इलाके की डाक बंगला रोड की है। अब जरा इस दृश्य को देखिए। वारदात से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, आगजनी की गई, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। घायल मछली व्यवसायी विनोद सिंह ने बताया कि लूट की घटना को बाइक सवार 2 अपराधियों ने अंजाम दिया। जब उन्होंने विरोध किया तो अपराधी उनसे उलझ गए, गोलियां चला दी। हालांकि भागने की दौड़ में और छीना झपटी में अपराधियों की पिस्टल मौके पर गिर गई। वहाँ से घूम गया है, बस इधर आके बोलते यहाँ महावीर मंदिर था, हम इसी इन्हें टर्न लिया है, कहना था घरवासी इन्हें आने के लिए, बस उधर से फिर मानो घुमा लिया, हम ध्यान नहीं दिए, घुमा लिया गड़िया में से छीना, हमको नहीं दे रहे थे, मार दिया गोली। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन लोग मानने को तैयार न थे। पुलिस इस मामले में कुछ बोलने की हालत में नहीं है। निश्चित तौर पर दिन दहाड़े घटी घटना से पूरा शहर दहशत में है। व्यवसायी वर्ग में तो विशेष रूप से खौफ पैदा हो गया है। जरूरत है जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की। गुनाह के लिए हाजीपुर से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।